दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका, जहाँ पर हर एक आम आदमी का सपना होता है कि एक दिन वो अमेरिकी नागरिकता पा जाए और वहाँ उसकी ज़िंदगी सेटल हो जाए। लेकिन आज के डेट में दोस्तों ऐसी सिनेरियो बन रही है कि जो अमेरिका के नागरिक हैं वो खुद अपनी देश की नागरिकता छोड़ अन्य देशों में जाना पसंद कर रहे हैं। अमेरिकियों की दोस्तों जो पहली नागरिकता पसंद बन रही है वो है यूरोपियन कंट्रीज। दोस्तों पिछले कुछ सालों में कोविड क्राइसिस के बाद करीबन 1 करोड़ अमेरिकी देश छोड़ चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। इतना ही नहीं, 4 करोड़ अमेरिका के लोगों ने नौकरियां छोड़ दी हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह और आखिर क्यों अमेरिका के लोग अमेरिका में ना रहना पसंद करके यूरोपियन देशों में जा रहे हैं? इनमें दोस्तों जो सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जाता है ये है अमेरिका का लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और मेन मिडिल क्लास फैमिलीज। ये जो दोस्तों फैमिलीज हैं ये अमेरिका में काफ़ी अच्छे पैसे बनाती हैं, लेकिन जब ये लोग अमेरिका में ये पैसे कमाते हैं तो अमेरिका में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अमेरिका में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सब कुछ इतना महंगा है कि अगर आप कितनी भी अमीर हो आप इसे जल्दी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये लोग ये पैसा कमा कर डायरेक्ट अब यूरोपियन नेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये लोग अपनी देश की नागरिकता छोड़ यूरोप में जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो वजह बताई जा रही है इस रिपोर्ट में वो है दोस्तों गन कल्चर को लेके। आपके पास लाखों करोड़ों रुपए है लेकिन आपको नहीं मालूम कि आपका पड़ोसी साइको है, वो कभी भी गोली चला देगा, तो ये आपके लिए एक टेंशन की वजह है। जिसके वजह से दोस्तों पिछले कुछ दिनों में हमें 4 जुलाई जब अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे था उस दिन अंधाधुन फायरिंग देखने को मिली। और जो गन कल्चर है, गोलीबारी करना, किसी को गोली निकाल के मार देना, ये अमेरिका में बहुत सी नॉर्मल बात हो चुकी है, जिसके वजह से दोस्तों अमेरिका के जो नागरिक है करंट टाइम में अमेरिका की नागरिकता छोड़ यूरोप में जाना पसंद कर रहे हैं। प्लस जो महंगे हेल्थ चार्जेस है, महंगी एजुकेशन है, इससे हर कोई त्रस्त हो चुका है। एक हिसाब से दोस्तों आज के डेट में अमेरिका से मिलियनेयर और बिलियनेयरों का देश बन के रह गया है। आम आदमी का सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों क्या सोचते हैं, अमेरिका की नागरिकता आपको ज्यादा अच्छी लगती है या फिर यूरोप की? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वैसे खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब TX वर्ल्ड इन्फो।